नमस्कार, आज हम बात कर लेते हैं दिल्ली में और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर हुए इनकम टैक्स के रेट की और उस रेट से उपजी पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की। बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेट ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही वक्त पहले बीबीसी ने दो एपिसोड्स में डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे कई सारे मामलों के लिए जिम्मेदार माना है। गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार माना है, मुसलमान के खिलाफ काम करने का आरोपी कहा है और ये सारी बातें कहने के कुछ समय बाद ही आईटी की रेड दिल्ली और मुंबई दोनों दफ्तर में बीबीसी के पड़ती है। देखिए, राजनीति में टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है और मेरे हिसाब से ये टाइमिंग बहुत गलत है, क्योंकि जब आप इस घटना के बाद कोई हरकत होती है तो उसको इसी से जोड़कर देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री आई और उस डॉक्यूमेंट्री को पहले तो भारत की सरकार ने बैन किया और उसके बाद अब आईटी की रेड। जैसा कि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि आईटी, ईडी, सीबीआई ये सारे ऐसे तोते हैं सरकार के कि जो कहीं ना कहीं हमलावर हैं, जो भी उनके विरोधी, जो भी उनके खिलाफ कोई बोलता है या बात करता है उस पर ये लोग ये सारी संस्थाएं छोड़ देते हैं। देखिए, ये सारी संस्थाएं दरअसल है तो तोता ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पहले से भी ऐसा ही होता रहा है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो या सरकार किसी और की रही हो, ये सारी संस्थाएं इसी तरीके से काम करती हैं। लेकिन मैं उन संस्थाओं के काम करने के तरीके पे नहीं जाऊंगा। जैसे बीबीसी कहती है कि वो पत्रकारिता करती है और वो अपना काम करती है, उसका अपना काम है, काम करने का तरीका है, उसी तरीके से आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसका काम करने का तरीका, उसको काम करने दिया जाना चाहिए। अगर आप पे आरोप लग रहा है या आप पे छापे पड़ रहे हैं जिसको पूरी हिंदुस्तान की मौजूदा मीडिया और सारे लोग कह रहे हैं कि आईटी सर्वे कर रही है, सर्वे वर्वे क्या होता है, वो तो छापा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि छापे में अगर कुछ नहीं निकलेगा तो बीबीसी पर क्या फर्क पड़ता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूं कि कुछ बातें आपको समझा दूं जल्दी जल्दी में। देखिए, बीबीसी क्या है? बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 100 साल पहले अक्टूबर 1922 में हो गई। 18 अक्टूबर 1922 को स्थापना होती है एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर और 4 साल बाद 1926 में उसको यूके में सरकार ने अपने अंदर ले लिया और उसको एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर उसको दर्जा मिल गया, नेशनल ब्रॉडकास्टर वो बन जाता है। 1940 में 11 मई 1940 को बीबीसी पर पहला हिंदुस्तानी सेवा शुरू होता है और हिंदुस्तानी सेवा उस दिन शुरू होती है जिस दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये सेवा इसलिए शुरू की जाती है कि हिंदुस्तानी सेवा का मकसद ये था कि उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो सारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लोग जहां जहां उनके सैनिक लड़ाई लड़ रहे थे उन तक सूचना पहुंचाने के लिए उन्होंने इस ब्रॉडकास्टर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मुख्य मकसद उनका वही था। सरकार का, ब्रिटेन की सरकार का पूरा अंकुश है, क्योंकि एक रॉयल चार्टर बनता है, एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट मान लीजिए, उस ट्रस्ट के तहत वहां पे पैसे आते हैं, उस पैसे से बीबीसी चलता है। बीबीसी में जो मुख्य पैसा आता है वो पैसा आता है सब्सक्रिप्शन से, यानी लाइसेंस फीस से। ब्रिटेन में अगर आप आज की तारीख में अगर हम बात करें, ब्रिटेन में अगर आप यूट्यूब पे भी कोई चीज देखते हैं लाइव, या अगर मान लीजिए कि मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ और मैं भारत का कोई चैनल यहाँ पर तो दिखता नहीं है, यहाँ पर तो आपको लाइव देखना पड़ेगा यूट्यूब पे या वेबसाइट पे या उनकी वेबसाइट पे कहीं जा करके, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप लाइव टेलीकास्ट देखते हैं तो उसके लिए आपको टीवी का लाइसेंस लेना होता है और उसकी एक फीस होती है, वो फीस से ही वो सारी फीस बीबीसी को जाती है और उससे बीबीसी के खर्चे चलते हैं जो तकरीबन सालाना 3,800 करोड़ रुपए का है। ये 3.8 बिलियन पाउंड है, ये एक जानकारी आपको हमने दे दी। अब क्या है कि इसके अलावा बीबीसी
बीबीसी स्टूडियोज जो काम करती है और बीबीसी स्टूडियो वर्क्स उसके पैसे आते हैं जिससे उसके फंड दिए जाते हैं और साथ साथ ब्रिटेन की पार्लियामेंट बीबीसी को फंड करती है। ये बीबीसी की कमाई के जरिए है। अब इसमें बीबीसी ने क्या गड़बड़ कर दिया कि आईटी की रेट पड़ रही है, इनकम टैक्स का है, मतलब कि इनके कमाई का जरिया आपको मैंने बता दिया कि इनकी कमाई कैसे हो रही है। तो दरअसल क्या है कि देखिए, हिंदुस्तान में बीबीसी रेडियो बंद हो चुका है। बीबीसी रेडियो 31 जनवरी 2020 को पूर्ण रूप से बंद हो गया, रेडियो की सेवा बंद हो गई। 2011 में भी पूरी कोशिश की गई थी कि ब्रिटेन में कि बीबीसी हिंदी सर्विस बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत सारे लोगों की चिट्ठियां आई, मेल आए और बहुत सारे दबाव, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए, पुराने बहुत सारे कुछ दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने रिक्वेस्ट किया, तो उसको टाला गया। लेकिन हुआ क्या कि बीबीसी ने हिंदी सेवा लंदन से उठा करके दिल्ली में पहुंचा दिया और वहां पर इनकी टीम में से कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोगों की नौकरी चली गई और बाकी सब लोग दिल्ली में चले गए और जो पूरी टीम थी हिंदुस्तान में फैली हुई अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, वो ख़त्म कर दी गई और दिल्ली में उनको जो कुछ लोग हैं उन वो जा करके वहाँ चलाने लगे, बीबीसी की सेवाएं वहाँ देने लगे। बीबीसी देखिए आज की तारीख में क्या है कि 35,000 उसमें एम्प्लॉयज़ हैं और 40 अलग अलग भाषाओं में उनका टेलीकास्ट होता है। दिल्ली में जब वो दफ्तर पहुँचता है पूरी तरह से हिंदी का, तो उसके बाद एक अलग कंपनी बना दी जाती है और वो कंपनी उस कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ होंगी, कुछ उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे किए गए होंगे। जब अगर विदेशी कंपनी वहाँ खुलती है तो सरकारी जो तौर तरीके होते हैं उसके हिसाब से उनको बताना पड़ता है कि वो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो ब्रॉडकास्ट और रेडियो और ये सारी बातें वो कहते हैं और उसके बाद उनको एक लाइसेंस मिलता है और उसके तरीके से वो काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, अब बीबीसी की सेवा बंद हो गई है 2020 में, अब सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब और ये ट्विटर और फेसबुक के पेजेस हैं, सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बीबीसी हिंदुस्तान में अब ऑपरेट कर रही है, चाहे वो किसी भी भाषा में ऑपरेट कर रही है। रेडियो उनकी बंद हो चुकी है, टेलीविज़न पे जो उनके प्रोग्राम बनते हैं वो वहाँ यहाँ से कंट्रोल होते हैं, वो अलग चैनल के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये सारी व्यवस्था अलग है। अब इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इसमें उन्होंने इंटरनेशनल फंडिंग को लाने के तौर तरीके में उन्होंने गड़बड़ की है। अब ये गड़बड़ जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें उन्होंने वो बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बताएंगे तो समझ में आएगा। तो आपको एक थोड़ा सा मैंने ब्रीफ इसलिए बता दिया कि इस तरीके की समस्या हुई होगी, कहीं ना कहीं कुछ बात होगी, नहीं होगी तो बात सामने आ जाएगी। लेकिन ये निश्चित है कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है, इस टाइमिंग पे करने पर आरोप तो भारत की सरकार पर ही लगेगा कि वो एक तरीके से दबाव दे रहे हैं। अब मैं आता हूँ विपक्ष पर। विपक्ष कह रहा है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है और बीबीसी तो इतनी बड़ी सेवा और इस तरीके की संस्था जो कभी कोई वो नहीं गलत नहीं करती और ऐसी पत्रकारिता करती है उसको बंद कर दिया गया। अब इसको थोड़ा और समझिए, 1970 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त फ्रांसीसी एक डायरेक्टर ने जो बीबीसी के लिए काम करते थे उन्होंने दो डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक डॉक्यूमेंट्री का नाम था कैलकटा और एक डॉक्यूमेंट्री का नाम था फैंटम इंडिया। और वो डॉक्यूमेंट्री जब चली तो उस डॉक्यूमेंट्री में भारत की छवि खराब की गई, उसका विरोध ब्रिटेन में हुआ, जो ब्रिटिशर्स हो गए थे इंडियन, जो ब्रिटिश ब्रिटेन में रहते थे उन इंडियंस ने, उन एनआरआईज ने या वो जो ब्रिटिशर्स हो भी गए थे उन लोगों ने यहाँ पर उसका विरोध किया। हिंदुस्तान में तो लोगों को पता भी नहीं चला कि किस तरीके की डॉक्यूमेंट्री बन गई और क्या चल गया, उस समय तो और परिस्थितियाँ अलग थीं, देश तो तब भी हुम्बो हुम्बो ही करता था। और यहाँ जब उसका विरोध हुआ तो ये बात इंदिरा गांधी तक पहुँची। 1970 में इंदिरा गांधी ने बीबीसी के दफ्तर दिल्ली में बंद करा दिए और वो एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, दो महीने नहीं, पूरे दो साल तक बीबीसी का दफ्तर 70 से 72 तक बंद रहा। एक घटना। दूसरी घटना हम आई अब 2008 में। 2008 में प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, एक रिपोर्ट बीबीसी वहां पे पेश करता है जिसमें चाइल्ड लेबर पे एक स्टोरी होती है और जिस कंपनी के बारे में वो जिक्र है और जिस कंपनी का फुटेज दिखाया गया है, सारी बातें बताई गई,
उस कंपनी ने उसका विरोध किया और वो उसमें सरकार ने इंटरवीन किया क्योंकि चाइल्ड लेबर के बहाने भारत की छवि उसमें भी खराब की जा रही थी। और वो बात अदालत तक गई, जांच हुई और वो फुटेज फर्जी पाई गई। दूसरा इंसिडेंट। तीसरा इंसिडेंट जो आप सब लोगों को याद होगा क्योंकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके थे, 2015 की बात है, अभी नए नए एक साल उनको प्रधानमंत्री बने हुए हुआ था। निर्भया कांड हिंदुस्तान में हर कोई जानता है, हमको लगता है कि दुनिया के भी बड़े बड़े हिस्से में लोग जानते हैं कि इतना विभत्स कांड दिल्ली में हुआ था। निर्भया बलात्कार के जो आरोपी थे, जघन्य बलात्कार के जो आरोपी थे, जिनको बाद में फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा हो चुकी थी और वो परिस्थितियां उस समय जो चल रही थी, तो उन आरोपियों का बीबीसी इंटरव्यू करती है और वो इंटरव्यू वो टेलीकास्ट करते हैं और ये कह के कि उसको भी बात करने की, उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। भाई हिंदुस्तान की अदालत है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला है, उसके बाद राष्ट्रपति फैसला लेते हैं, अदालतें वहाँ की सक्षम है, कार्रवाई कर रही है। चलिए आज आप अदालतों पर आरोप भी लगा लें, उस समय तो अदालतों पर भी आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि अदालतें तो मनमोहन सिंह की सरकार से चली आ रही थी, तो 10 साल तो उनकी सरकार थी, तो 14 में तो प्रधानमंत्री बने ही थे, 15 की ये घटना है, 15 में उन अदालतों के फैसले के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, सुप्रीम अदालत हमारी कुछ और कहती है और डॉक्यूमेंट्री कुछ और कहता है और उसका विरोध हुआ, तो वो भी भारत की छवि खराब करने की कोशिश थी। और किसी भी बलात्कारी को आप एक स्टेज दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और बीबीसी ने ऐसा किया तो उससे उसकी छवि खराबी हुई, कमी। अब हम आते हैं 2017 में। 2017 में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं बीबीसी के लंदन दफ्तर गया, वहाँ हमने देखा कि तमाम अलग अलग भाषाओं के डेस्क हैं, अलग अलग कॉर्नर उनके बने हुए हैं, लेकिन हिंदी भाषा का वहाँ कोई कॉर्नर, कोई डेस्क हमें नहीं दिखा। अब क्या वजह थी, क्या बड़ी वजह हो सकती है इसकी? उर्दू का है, बांग्ला का है, इसलिए कि बांग्लादेश की वजह से, लेकिन हिंदी का नहीं है। तो दरअसल हुआ ये कि जब हिंदी विभाग को, हिंदी भाषा को जब यहाँ से हटाकर दिल्ली पहुँचाया गया, तो बीबीसी ने एक अलग कंपनी का फॉर्मेशन किया, एक अलग कंपनी बनाई जो हिंदुस्तान में अभी चल रही है, जिस बीबीसी के वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं और जिस बीबीसी का आप हिंदुस्तान में आप देखते हैं। रेडियो बंद हो चुका और यहाँ मेन बीबीसी से, जो उसका की पैरेंटल कंपनी है, जो अम्ब्रेला है, उससे उसको थोड़ा अलग किया गया। हालांकि इसके अंडर आता है लेकिन उसको अलग किया गया जानबूझकर, क्योंकि हिंदुस्तान में मीडिया हाउसेस के लिए अलग अलग तरीके से फंड, अलग अलग तरीके से व्यापार करने के ऑप्शंस हैं और उसका वो लाभ वहाँ पर वो लेते हैं। अब इसमें क्या गड़बड़ियाँ इन्होंने की हैं, जो इनकम टैक्स विभाग कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, ये तो रिपोर्ट उनकी आएगी तो पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आप इस पूरी परिस्थिति को देखें, तो मैं स्पष्ट तौर पर यह कह सकता हूँ कि ये जो अभी सरकार का जो फैसला है, क्योंकि इनकम टैक्स की रेट बिना सरकार के फैसले के तो नहीं हो सकता, तो ये जो कहावत है हम सब ने सुनी है, चोर की दाढ़ी में तिनका, उधर इशारा करती है। और ऐसे मौके पर आपने किया है कि आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है और आप छापे मार रहे हैं, तो आप पर सवाल उठना लाजमी है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको एक ज़मीन दे रहे हैं इस पर बात करने की, तो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक तरफ अडानी पर, मोदी पे आरोप लग रहे हैं अडानी की वजह से, और दूसरी तरफ ये डॉक्यूमेंट्री, और अभी आपने छापे मारकर, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या होता है, बार बार कहते हैं कि ईडी का डर, सीबीआई का डर, आईटी का डर, ये दिखा करके वहाँ दबाया जा रहा है, और आपने वही कर दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार की एक ये शैली भी है कि आप जानते हैं कि क्या होने वाला है और वो चीज़ें होती रहती है। खैर, उधर मैं नहीं जाऊंगा, एक बात और बीबीसी के सिलसिले में मैं कर दूं कि बीबीसी की जो समस्या है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, यहाँ इंग्लैंड में भी उनको एक बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। जो बीबीसी के चेयरमैन हैं रिचर्ड शॉर्ट, वो पहले गोल्डमैन सॉक्स के बैंकर थे, 22-23 साल वहाँ काम किया और अभी बीबीसी के चेयरमैन हैं। वहाँ जो नियुक्ति होती है वो सरकार नियुक्त करती है, उसमें बहुत सारे एमपीज़ की कमेटी है, वो कमेटी बैठ के फैसला करती है।
तो दरअसल जब वो बैंकर थे तो उन्होंने बोरिस जॉनसन को 8 लाख पाउंड मतलब तकरीबन 8 करोड़ रुपए होते हैं अपने किसी रिलेटिव से लोन दिलवाया, और इसका जिक्र उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट के दौरान नहीं किया जब वो एप्लीकेशन दे रहे थे। अब ये बात खुल के आ गई और यहाँ सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात को उठा दिया गया और एमपी की रिपोर्ट आ गई। अब इनकी कुर्सी हिली हुई है, तो समस्या यहाँ बीबीसी को यहाँ भी हो रही है और इस पर कड़ी नज़र है यहाँ भी सरकार की। खैर, ये मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए आपको बता दिया। बीबीसी पर आईटी रेट को लेकर के जो रुदाली हो रही है हिंदुस्तान में, समस्या उससे है। बीबीसी अपनी पत्रकारिता कर रही है, जब आप उसके पक्ष में ये सवाल नहीं करते, जब आप उन पे सवाल करने वालों से सवाल करना शुरू करते हैं कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं उस पे सवाल क्यों खड़ा करते हैं, तो आपको इस पे भी सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए कि भाई आईटी का काम है, आईटी अपना रेट कर रही है, उसको करने दीजिए। आप साफ होंगे, पाक साफ होंगे, तो आप बरी होकर बाहर आ जाएंगे। हाँ, मैं एक बात ज़रूर बार बार कह रहा हूँ और कहूँगा कि ये टाइमिंग का मामला है और ये सही वक्त नहीं था कि बीबीसी पर सरकार इस वक्त रेड करती, जांच करती, और जांच करने के बाद थोड़ा वक्त देना चाहिए था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री आने के बाद आप पे ये आरोप तो लगेंगे ही कि जब आप पर उंगली उठाई गई तो आपने सख्ती करना शुरू कर दिया। हम फिर हाजिर होंगे, फिर बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। हमने कोशिश की है कि हम दोनों पक्ष आपको साफ साफ बताएं, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलता हूँ।